लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे लेडी हेलिना से मिलना है। आप कौन हैं? मैं राजा आजाद सिंह की बीवी हूँ। आजाद सिंह की बीवी आपसे मिलना चाहती है। ओके, आइए। नमस्ते लेडी हेलिना, मैं आपके सामने एक फरियाद लेकर आई हूँ। आपको शायद नहीं मालूम, मेरे पति आजाद सिंह के साथ कैद में गुलामों से भी बदतर सुलूक किया जा रहा है। मेरा बेटा राजू, जो अपने बाप को जुल्म से रिहा करने गया था, वो भी अभी तक नहीं लौटा। अब आप ही कुछ कीजिए, आपने हमेशा हमारी मदद की है लेडी हेलिना। इसीलिए तो आज इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें अपने पति और बेटे से मिलना है ना? चलो ले चलते हैं, लेकिन तुम्हें जिंदा एक ही मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हैं। राजा साहब। अपने राजा का अंजाम कहां है? उस धरती मां के माथे पर लगा कलंक। कलंक नहीं, इस मां के माथे का तिलक। मेरी तलवार जब भी उठी है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए उठी है, लेकिन आज ये तलवार तुझ जैसे गद्दार की बलि चढ़ाने के लिए उठेगी। मेरे सर पर जब तक मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, लोहे की तलवार तो क्या आसमान से गिरने वाली बिजलियां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। Bloody Indians. हत्थे पर वार नहीं करता, उठा तलवार। अब मालूम हुआ, इंसान के जिस्म से खून निकलता है तो कैसा दर्द होता है? मर्द को दर्द नहीं होता। तुम्हारे सीने पर ये मर्द किसने लिखा है? एक मर्द के अलावा और कौन लिख सकता है? ये लो, ये मर्द का बच्चा भी नेहत्ते पे वार नहीं करता। क्यों, दर्द हुआ? दर्द तो कल हुआ था बेटे, जब तुम अपने ही भाइयों के जिस्म से खून निकाल रहे थे। वो मैं नहीं, मेरे नकाब में कोई और होगा। मेरे बाप का नकाब पहनकर शक्ल तो ले ली उनकी,
अब उनकी जबान भी बोलने लगे। खून चेहरे पर नकाब होता बेटे तो टूटता, उससे खून नहीं निकलता। इसका मतलब आप मेरे पिताजी हैं। हाँ बेटे, लेकिन लड़ना इस तरह जारी रखो वरना दुश्मन को पता चल जाएगा हम एक दूसरे को पहचान चुके हैं। लेकिन अब मैं आप पर वार कैसे करूं पिताजी? करना ही होगा। मेरे जिस्म की हर बूंद जमीन पर गिरेगी, कहेगी जीते रहो बेटा। आशीर्वाद दो पिताजी। जीत रहो बेटे। आ बेटे, चुका रही है हैरी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
बादल, बादल, उठ, उठ मेरे दोस्त, उठ जा। उसे एक और दुश्मन को इस दुनिया से उठाना है। दांगा वाला नहीं, ये तो अपना डैनी है। डैनी साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो डैनी साहब। डैनी साहब, डैनी साहब, अरे डैनी साहब बचाओ मुझे, अरे बचाओ डैनी साहब, नहीं मैं मर जाऊंगा डैनी साहब, अरे अरे नहीं। तूने जिंदा जला डाला, ये उन गरीबों के लिए जिनको तूने बेमौत मारा, ये मेरे बाप के लिए जिससे तूने बरसों चक्की चलवाई, मेरे मामा पर तूने कोड़े बरसाए, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। साले अंग्रेज की औलाद। रूबी, रूबी, हजम, हजम रूबी। मुझे बचा लो राजू, कितने बचा, मुझे बचा लो राजू। रूबी, समझ गया समझ गया समझ गया। चल कर्दन साहब से तेरी सिफारिश करता हूं। साहब, अरे जरा इसकी आंखों में देखो, मुझसे कह रहा अपनी तो शादी कर ली, मुझे कुंवारा का कुंवारा छोड़ दिया। अरे जाते जाते इसका घर तो बसाते जाओ, किसी दिन तुम्हारी घोड़ी इसके साथ भाग गई ना तो वहीं पर तो लटकते रह जाओगे। क्यों भाई कर्जू, क्या कहा था मैंने, भाग गई ना तेरी घोड़ी, रह गया ना लटकता हुआ। अबे तू तो लटका तो लटका, मेरे को भी आ बेटे, बैठ मेरे कंधे पर। अरे आपके हाँ हाँ बैठ। अरे